जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लैब सब की उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपका सफ़र हमारे साथ जारी है। आज हम इस अबूधाबी सिटी टूर्स की जो वीडियो सीरीज़ है इसका तीसरा पार्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो पहली दो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उनका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो आज हम अबूधाबी से मुसफ़ा की तरफ जा रहे हैं। मुसफ़ा एक एरिया है अबूधाबी के, अबूधाबी का ही एक हिस्सा है, लेकिन ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है। अबूधाबी से थोड़ा सा बाहर की तरफ उन्होंने एक पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे अबूधाबी की सारी इंडस्ट्री जो है वो मौजूद है। तो जो भी अबूधाबी में रहा है तो लाजमी वो इस एरिया में ज़रूर आया होगा, क्योंकि जो भी काम से मुतलक कोई भी चीज़ है, कोई भी इंडस्ट्री है, वो अबूधाबी में रहते हुए इस इलाके में ना जाए बगैर नहीं हो सकती। तो हमारे साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ जो हैं हम आपके साथ टाइमली शेयर करते रहें। तो हमारे साथ बने रहें, चलें आगे देखते हैं अबूधाबी का इंडस्ट्रियल एरिया। मुसफ़ा एरिया की तरफ चलते हैं। जी तो नाज़रीन, हम ये मुसफ़ा एरिया में इंटर हो चुके हैं। तो यहाँ से लेफ़्ट साइड पे जो भी अबूधाबी का ड्राइविंग स्कूल है वहाँ पे जो भी ड्राइविंग की क्लासें और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह इशू होता है, तो यहाँ से थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे जिस जो इन्होंने भी ड्राइविंग का जो का इधर लाइसेंस बनाया है तो वो इस एरिया में लाजमी आए होंगे, उनको इसका मालूम होगा। तो चलें बने रहें हमारे साथ।
जी तो नाज़रीन, ये खटक अबू धाबी में बहुत से पठान जो हैं ड्राइवर्स, ज़्यादातर ड्राइवर्स की तो जो मेजॉरिटी है वो पठान हैं, उसके बाद केरला के लोग हैं काफ़ी। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में आपका साथ हमारे साथ इतना ही। हमारे साथ बने रहिएगा, हम इससे आगे का सफ़र आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में तय करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक टाइम से पहुंचे। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो जीते रहें, खुश रहें और देखते रहें शाहिद अमीर टीवी। अल्लाह हाफिज़।